एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापिस आ चुका हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में। वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो को लाइक करो एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आइए गाइस जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत सारे प्लेयर्स पूछते हैं कि आईपीएल में अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना नाम ऑक्शन के लिए कैसे भेजे, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नाम सुना होगा और रणजी ट्रॉफी, ये सारे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। जो प्लेयर्स स्टेट लेवल पे अच्छा खेलते रहते हैं उनको ये सारे टूर्नामेंट्स खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एसोसिएशन होती है स्टेट एसोसिएशन, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है स्टेट एसोसिएशन के अंडर। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पे खेलना रहता है, डिस्ट्रिक्ट पे अच्छा खेलने से स्टेट एसोसिएशन आपको अपने अंडर रजिस्टर्ड कर लेती है। तो यह आईपीएल का फॉर्म आपको कौन देता है? जी हाँ गाइज, स्टेट एसोसिएशन देती है। जी हाँ, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना रहता है और फिर आप सबमिट कर सकते हो स्टेट एसोसिएशन को, और फिर स्टेट एसोसिएशन आपके फॉर्म को सबमिट कर देगी आईपीएल तक। तो इस प्रकार का प्रोसेस रहता है। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म किसी भी प्लेयर को नहीं मिल जाता। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा है उसको नहीं मिलता, जो अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट लेवल खेल रहा है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला हो, रणजी ट्रॉफी खेला हो, उन सारे प्लेयर्स को मिलता है। जो जो स्टेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टेट एसोसिएशन ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं को देती है। तो इस प्रकार का प्रोसेस रहता है। आईपीएल के पास आपका फॉर्म चला जाता है तो उसके बाद आपका नाम ऑक्शन में आता है। ऑक्शन में अगर आपके ऊपर कोई भी फ्रेंचाइजी बिड करती है तो उसके बाद आप लोगों को किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर द्वारा खरीद लिया जाता है और आप लोग उस फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हैं। आरसीबी, मुंबई इंडियंस, किसी भी फ्रेंचाइजी की तरफ से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस रहता है। गाइस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब चलती रहती है, जब उनके मैचेस होते रहते हैं, तो अलग अलग आईपीएल फ्रेंचाइजी के स्काउट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एज अ सिलेक्टर्स प्लेयर्स को देखते रहते हैं। अगर किसी भी प्लेयर का गेम स्काउट्स को अच्छा लगता है तो वो नाम को रिकमेंड कर देते हैं फ्रेंचाइजी में। तो इस प्रकार भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में खेला जाता है और आईपीएल भी एक T20 फॉर्मेट का गेम है। तो जो प्लेयर्स सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा खेलेंगे वो डेफिनेटली आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन दो तरीकों से आप लोग आईपीएल का सफर तय कर सकते हो। और आजकल तो ओपन ट्रायल्स भी होते हैं आईपीएल के, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अपॉर्चुनिटीज तो गाइस बहुत सारे हैं, बस आपको ग्रैब करना है। कहीं से भी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे डेफिनेटली आगे निकल जाओगे। तो ठीक है, इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहें, अपने गेम को और ज्यादा इंप्रूव करते रहें। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।